हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जहाँ पे मैंने इससे लास्ट वाले वीडियो की एंड करी थी, वहीं से मैं यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने थाली सबका लगा दिया है, यानी मैंने कटोरी में खीर और सब्जी निकाल लिया है और सबकी थालियाँ मैं निकाल रही हूँ। एक्चुअली साथ में 6 से 7 जन बैठे थे खाने के लिए, तो सबकी थाली मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और भाभी और दीदी अब बस अपने काम में लगे हुए हैं। वो बीच में एक्चुअली क्या हो रहा था, कभी किसी का टर्न आ रहा था, कभी किसी का टर्न आ रहा था, इस तरीके से मतलब कर रहे थे। चलो खड़ी बराबर चल रही है, आप बैठे में चल रही है, बर्तन घस इधर। अरे आए तब ना दीदी, कॉम्प्लीमेंट की तरह लेके तो कॉम्प्लीमेंट है, और जैसे लोगे वैसे। एक पंखा इस वजह से चलता है, एक पंखा इस वजह से चलता है, पंखे चलते नहीं। आधा का लगे तो पूरा हो जाता है। और जहाँ पे 3-4 औरतें हों और गपशप ना हो, बातें ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हम औरतों का ऐसा ही नेचर है कि काम करते करते हम बातें इधर उधर की कर ही लेते हैं। हमारा हाथ भी चलता रहता है, हमारा मुंह भी चलता रहता है। अभी चिंटू तो आया ही नहीं है, तो अभी तक नहीं आए। अरे वो तो यार 9 बजे आता है। पूरी देख ऐसे सर्व करके दूँ ना, तो पूरा तो ऐसे दो ना। और नहीं अभी सर्व करके दे रही हूँ और बाद में वहाँ पे रख दीजिए। और एक्चुअली छोटे होने का कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ फ़ायदे ही फायदे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जीजा जी के सामने एक्चुअली मैं अपना सिर ढकती हूँ, मतलब नंदोई जी हैं तो उनके सामने अपना सिर ढकती हूँ मैं, तो इसलिए बार बार मैं सिर ढक रही थी जब उनके सामने एक्चुअली आ रही थी। तब मतलब जब वो सामने पड़ते हैं, जब दिखते हैं उस टाइम में। ये चाहिए पूरा। अरे निकला ही नहीं इतना ही। और इनसे आप मेरे ख्याल से सेकंड टाइम आप मिल रहे हो। इनका नाम ज्योति है। एक बहुत पहले मैंने वीडियो शेयर किया था, दीदी के घर पे भजन था, मतलब पूजा थी, तो वो पूजा में इन्होंने डांस किया था ज्योति ने। दीदी की जेठानी जी की लड़की हैं और डांस बहुत अच्छा करती हैं ये। एक्चुअली सर्विस भी करती हैं। एक्चुअली मैंने दीदी के मतलब जेठानी जी सब पूरे परिवार को ही मैंने इन्वाइट किया था, बट मतलब दीदी की जेठानी नहीं आई थी और दीदी के बड़े वाले बेटे भी नहीं आए थे क्योंकि वो लेट आए थे, जैसे आपने सुना होगा। वो
लेट आए थे ऑफिस से, 9 बजे आए थे, इस वजह से। इसमें इसमें ढक दिए थे जल्दी। अरे चौंती को तो थोड़ा ही, पहले के तो ये क्या उसका खाना नहीं होने लगा, उसके खाना क्या हुआ क्या? और ये मेरे छोटे वाले भांजे हैं, मेरे मतलब दीदी के छोटे वाले बेटे हैं, दीदी के 2 बेटे ही हैं, तो बड़े वाले तो आए नहीं थे जैसे मैंने बताया, और ये हैं छोटे वाले जो अभी गए हाथ धो के। और देखिए सब बैठे हैं खाने, एक्चुअली साथ में खाने का जो मज़ा है ना वो 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। और जो साथ में मिलकर खाने का मज़ा आता है ना उसकी बात ही कुछ और है। और आजकल ऐसा है नहीं, मतलब आजकल देखो 4-3 लोगों की फैमिली होती है तो बस उतने में ही हम सिमट के रह गए हैं। और यहाँ पे देखिए मतलब अब मैं पूरियाँ बनाने लगी हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि जिसका जब टर्न आ रहा था उस हिसाब से कर रहा था, मतलब जब जैसे जिसके हाथ में काम आ रहा था ना वैसे वो उसको हैंडल कर रहा था। तो अब दीदी खिलाने में थी और अनारा बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, रो रही थी, जैसा आपने अभी तक वीडियो में देखा कि बच्चे क्या जब इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है ना तो वो अलग थलग पड़ जाते हैं, वो उनके साथ में फिर टाइम देना पड़ता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं इतने भीड़ में भी। तो इसीलिए फिर मैंने भाभी को बोला कि आप देख लो अनारा को, काफ़ी हद तक उन्होंने संभाला और काफ़ी हद तक उन्होंने किया, बट अनारा को भी छोटी हो तो अकेले नहीं छोड़ सकते ना। करने वाले हो ना तो नहीं पता, करने वाले हो ना तो पता नहीं चलता, बट अकेले करना पड़े तो पता चलता है। Yeah.
और एक्चुअली मैं लगी हूँ खाना पैक करने में, यानी जैसे मैंने बताया कि दीदी की जेठानी जी नहीं आई थी और दीदी के मतलब जेठानी जी के लड़के नहीं आए थे और दीदी के बड़े वाले बेटे नहीं आए थे, मतलब बड़े वाले भांजे नहीं आए थे मेरे, तो उन लोगों का खाना फिर मैंने पैक करके दे दिया था। देखो होता यूँ है ना कि सारा दिन इंसान ऑफिस रहता है, थका हारा रहता है ना, तो वो फिर कहीं आने जाने में कंफर्टेबल नहीं रहता और दीदी की जिठानी भी कहीं आने जाने में कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं, तो इसी वजह से वो नहीं आई थी। और यहाँ पे देखिए फिर हम लोग पैक करके मैंने दे दिया था और चले गए थे, मतलब जैसे आप ज्योति और जो दीदी के छोटे वाले बेटे तो लेके चले गए थे। उसके बाद हम लोग अपने लिए बना रहे हैं क्योंकि पुड़िया जैसे मैंने बताया गरम गरम ही अच्छी लगती है। बस अभी बोतल बना दे भाभी सुनील, मैं बेल के फिर बस पैसा करो अरे होगा कभी कैसे होगा कभी आप बोल चल रहा कहाँ होगा करें क्या उसको लर्न करना है, कल जो है ना उसको याद करना है आपको। होगा कहाँ आ रहा है ना निकली का कुछ नहीं है, याद करने का है, रट्टो जाते और यहाँ पे मैं एक्चुअली उतनी ही थालियाँ निकाल रही हूँ जितनी कि हमें अभी ज़रूरत है, मतलब हम तीन लोग ही बाकी हैं, तीन भाभी मैं और दीदी, तो इस वजह से मैं बस दो तीन थालियाँ ही निकाल रही हूँ। और एक्चुअली हुआ ही हूँ ना कि मैं एक्स्ट्रा बर्तन मैंने निकाला ही नहीं, मतलब बेड बॉक्स में मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा बर्तन जितने भी हैं मेरे, बट मैंने निकाला नहीं, मुझे लगा हो जाएगा और थालियाँ हैं ऊपर मेरे पास 8-10 थालियाँ ऊपर हैं, बट इतना इनफ नहीं होता ना इतने लोगों का अगर साथ में है तो इस वजह से फिर मैंने 2-4 थालियाँ धो लिया था, घस लिया था, यानी मैंने धो लिया था। और उसके बाद में फिर भाभी ने और मतलब दीदी ने पोछ के रख दिया था बर्तन, भाभी ने साथ में मिलकर बर्तन करवा लिया था, काफ़ी सारे बर्तन थे एक्चुअली, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, आप देख पाते बहुत ज़्यादा बर्तन निकले थे बहुत ज़्यादा, तो भाभी ने मिलकर और हम मैंने मिलकर बर्तन धो लिए थे और दीदी ने मतलब उसको वाइप करके और मतलब उसको अरेंज कर दिया था। और यहाँ पे देखिए हम लास्ट में बैठे हैं खाना खाने, यानी सबको खिला पिला दिया है, फिर हम आराम से बैठे हैं, हम गृहिणी ऐसी ही होती हैं, सबका खाना पीना हो जाता है उसके बाद में हम बैठते हैं ताकि खाना अच्छे से इंजॉय कर सके हम, इस वजह से।